देवगुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन पर हनुमान पिता केसरी व अन्य प्रजाजनों को पंचफन के विष से मुक्ति दिलाने विशैले कर्णी पुष्प लाने प्रवाल द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु इसी मध्य मायासुर छल से हनुमान को जल दैत्यों के समीप भेज देता है। क्यों इस प्रकार घेर रहे हैं मुझे? क्या चाहते हैं आप सब? हम तुझे चाहते हैं। तुझे खाने में आनंद आएगा। वहीं दूसरी ओर सुमेरु के राज वैद्य पंचवन के विष को निष्प्रभाव करने में असफल हो जाते हैं। अब आगे खाना चाहते थे ना? आइए आइए ना, खाइए मुझे। वानर, तुझे अपने षड्यंत्र से यहाँ तक लाया हूँ। अब यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा मैं तुझे। देखता हूँ कैसे तू परास्त कर पाता है इन जल दैत्यों को। युवराज हनुमान, ये तुम पर आक्रमण कर रहे हैं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तू इसकी सहायता करेगा? ये तो दैत्य हैं, इनसे मैं बिना शस्त्र नहीं लड़ सकता। आप भयभीत मत होइए, मेरे होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी। ये गदा तुम मुझे दे दो, मैं मारूंगा इन दैत्यों को इस गदा से। मैं संभाल लूंगा इन्हें, आप चिंता मत करिए। अरे दो ना। हाँ? अच्छा, ये भी एक दैत्य ही है। मैं तुम्हारे पिता का मित्र नहीं, समस्त वानरों का शत्रु हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देने के लिए ही यहां लाया हूं। मायासुर हूं मैं। विपत्ति के समय धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीवन के संग्राम में जिसने भी धैर्य और विवेक से विपत्ति का सामना किया, विजय उसी की होती है। जो मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका भाग्य भी उनसे रुष्ट होकर बैठा रहता है। अतः कर्म करते हुए संकट से लड़ने वाला ही संकट से मुक्ति पाता है। अच्छा, ये तुम्हारी चाल थी? ये चाल नहीं, जाल था मेरा, जिसमें तुम उलझ चुके हो। अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। Yeah.
आज से पहले कैसे विषैले करनी पुष्प लेकर पहुंच पाऊंगा? जल्द आते हो, टूट पड़ो इस वानर पे। मेरे इस अस्त्र से कोई नहीं बच पाता, तू भी नहीं बच पाएगा। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष, कुछ ज्ञात नहीं हो रहा हमारा हनुमान कब आएगा। स्वामी की दशा बिगड़ती जा रही और ऊपर से पूर्णिमा भी आज ही है, न जाने क्या होने वाला है। मात अंजना की प्रभु से विनती, मेरी ममता की रखना लाज। मांग की लाली पे हुआ आघात, प्रभु सफल करो हनुमत काज। सकुशल देखू पुत्र पति, यही विनती करती आज। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जल चाहिए, जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे कोई जल पिला दो। सेविका, शीघ्र जल लेकर आओ। गंधमादन, धीरज धरो गंधमादन, जल पियो। हनुमान के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सबकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। महारानी जी, अनर्थ होने वाला है, पूरे सुमेरु में दो शास्त्र लोग मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं, यदि विलंब हुआ तो उनकी मृत्यु निश्चित है। राज का भविष्य और अस्तित्व दोनों संकट में पड़ जाएगा इस विनाश लीला से। हे प्रभु, भयंकर विनाश। अब ये क्या करने जा रहा है? कितनी असहाय हो गई हूं मैं, वहां मेरी प्रजा मृत्यु के मुख में जा रही और यहां स्वामी की दशा भी शोचनीय हो गई है। स्वामी, स्वामी, साहस मत छोड़िए स्वामी, तेज श्वास लीजिए, आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। पंचन, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। प्रथम तो सुमेरु से परास्त होकर के लौटे हो और अब तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी संजीवनी विद्या से केसरी और उसके सुमेरु वासियों के प्राणों की रक्षा करूं, उन्हें विष से मुक्ति दिलाऊं। गुरुदेव, आप ऋषि हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हीं शिव जी की कृपा से आपको संजीवनी विद्या की प्राप्ति हुई। महाराज केसरी और उनका परिवार भी उन्हीं महादेव का भक्त है, इस संबंध से तो आप संबंधों की दुहाई मत दो पंचपन। मैं दैत्यों का गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरा इन समस्त वानरों से मात्र एक ही संबंध है,
शत्रुता का, क्योंकि ये वानर दैत्यों के शत्रु है और इस संबंध से मैं भी हनुमान और समस्त वानरों का विनाश चाहता हूं। लंकेश रावण की भी यही इच्छा है। पंचपन, यदि तुम्हारे विष से वानरों का सर्वनाश होता है तो लंकेश रावण तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करे। गुरुदेव, मेरा पुरस्कार तो वो होगा जब आप शत्रुता भूलकर एक ऋषि का कर्तव्य निभाते हुए उन सबके प्राण। पंचपन, अब मेरे कर्तव्य तुम मुझे बताओगे? क्षमा करें गुरुदेव, मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप उन असुरों का साथ छोड़कर शिव भक्त केसरी और उनके परिवार के साथ हो जाए तो ये उचित ही होगा। बस करो पंचपन, मुझे उचित अनुचित की परिभाषा अब तुम सिखलाओगे? तुम मेरे शिष्य होने के योग्य ही नहीं हो। क्षमा करें गुरुदेव। पंचपन, तुमने आसुरी वृत्ति को त्यागा है, इसलिए अब तुम समस्त आसुरी और मायावी शक्तियों के योग्य भी नहीं हो। ऐसा मत करें गुरुदेव, क्षमा कीजिए, ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। देखा, तुम्हारे इस हनुमान भक्ति ने तुम्हें शक्तिहीन बना दिया। अब तुम मात्र एक सर्प से अधिक कुछ भी नहीं, एक साधारण सर्प। अब रहो यूं ही शक्तिहीन दुर्बल प्राणियों की तरह। जय संकट मोचन महाबली हनुमान। जिन हनुमान के नाम में ही मंत्रों की शक्ति निहित है, उनके शरणागतों को कोई शक्तिहीन नहीं कर सकता। हनुमान के कारण ही मेरे सारे आसुरी तत्वों से मुक्ति मिली है मुझे, विष से भी। प्रणाम गुरुदेव। कभी कभी जाल डालने वाले स्वयं अपने जाल में उलझ जाते हैं। जलासुर, मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता। मेरे पास तुमसे युद्ध करने का समय नहीं है, मुझे शीघ्र ही जाना है। चतुर है ये बालक। ये एकाएक कहां अदृश्य हो गए दैत्य? मैं शीघ्र ही पुष्प लेने जाता हूं। रुक जा बालक, हमसे बच के नहीं जा सकते तुम। पुनः रोक रहे हैं ये मुझे। राजू वैद्य जी,
चाहते हैं महारानी। महाराज सकता, ये संभव नहीं है। ये हम छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो इन्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते महाराज। हनुमान अभी बहुत छोटा है, आप नहीं जा सकते। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं महाराज? सूरी माया है। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला है। मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा। अब इसकी जल में श्वास घुटने लगेगी। महारानी माँ संभालिए अपने आप को। महाराज ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, भ्रम है ये आप सबका। स्वामी देखिए ना ये सब क्या कह रहे हैं। आप कभी हमें छोड़कर जा सकते हैं क्या? पूछ लो ये आंसू, स्वामी अचेत है, हनुमान आएगा, मेरा लाल वो पुष्प लेकर आएगा और स्वामी को स्वस्थ कर देगा, वो सबको स्वस्थ कर देगा। तुम सब रो मत, किसी को कुछ नहीं होने देगा हनुमान। मेरा हनुमान सबके संकट हरता है। आएगा हनुमान। स्वामी उठिए, स्वामी नेत्र खोलिए, स्वामी
स्वामी उठिए, आपको उठना ही होगा। बता दीजिए इन सबको कि आप ठीक हैं। उठिए स्वामी, उठिए, आपको उठना ही होगा, उठिए। मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। अरे ये तो सारा जल पिए जा रहा है। चलासुर, अदृश्य होकर युद्ध कर रहे हो, भयभीत हो गए क्या? युद्ध में भय का नहीं, विजय का महत्व होता है वानर बालक। स्थिर चित्त, एकाग्रता और धैर्य विजय का मंत्र है ये। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.